इतनी उम्र होने के बाद भी खुश है, शादी होने के बाद इतने सालों बाद कोई तो बात होगी। हाँ भाई साहब, आप बताइए कि लेडीज करवा चौथ का व्रत क्यों रखती हो? जैसे ना पता नहीं, बहुत सही बात बोली। क्या सर बताइए, सबको सुनिए सर, लेडीज करवा चौथ का व्रत क्यों रखती है? भाई साहब बताइए। धीरे क्यों बोल रहे हैं, आपकी उम्र लंबी है सर। पति की लंबी उम्र की। जोरदार तालियां सर के लिए। अब इन्होंने बोला कि औरतें रखती है करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए, पर मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि गाय के भूखे रहने से सांड के सेहत पे क्या असर पड़ता है। और जितने भी सांड है वो से, पर फिर भी सर भारतीय नारी है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, भूखे प्यासे रहती है, व्रत रखती है, पर कुछ समय के साथ बदलाव होता है। जिनकी नई नई शादी होती है ना, उनको क्रेज होता है करवा चौथ का। जैसे धीरज भाई, शादी को 10-20 दिन 5 महीने हुए हैं, वो बेचारे दिन में जाते हैं चांद देखने, दिन में। अरे यार चांद नहीं निकला, मेरा चांद भूखा मर रहा है। तो भाभी बोलती है आपके लिए अभी क्या 7 जन्म भूखे रह सकती हूँ। तो जहाँ शादी को हुए 10-15 साल, सिल्वर जुबली, कोई है यहाँ पे सिल्वर जुबली वाला? अब कोई हाथ भी ऊपर नहीं करेगा। सर को एंड में लेंगे, इनका भी है। तो जिनकी शादी को 15-20 साल होते हैं, उनका क्या क्रेज होता है? पत्नी पूछती है अच्छी देख क्या हो ना, चांद नहीं निकला? चांद तेरे बाप के घर से निकलता है? मैंने बोला था भूखा रहने के लिए, बोले ज्यादा बोलो मत, आपके लिए कर रही हूँ, कचौड़ी खा के भस्म कर दूंगी। और जहां शादी को हुए 25-30 साल होता है, मैडम आदमी रिटायर्ड, जब आदमी एकदम रिटायर्ड हो जाता है, खटिया में बैठा होता है, उसको लगता है उम्र तो होगी, अब करवा चौथ भी क्या बिगाड़ेगा। बेचारा खटिया में बैठ के पेंशन गिन रहा होता है, 10-20, वहां से बुजुर्ग लेडी आवाज करती, अजी सुनते हो, मैं कहूं देख क्या हो जरा, चांद नहीं निकला? चांद नहीं निकला, चांद ने रास्ता बदल दिया, आजकल वो यहां से निकलता है। तो मैं बहुत लोगों के चांद देख रहा हूं यहां पे, और बहुत अच्छा भी लग रहा है, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए।